यूएन में इमरान के रुख से नाराज सऊदी क्राउन प्रिंस ने बीच रास्ते में छीन लिया था शाही विमान। पाक के अखबार ने कहा, इमरान की हरकतों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी सऊदी अरब भी नाराज है। पाकिस्तान ने मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर खुद को इस्लामी देशों के प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया था। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने में नाकाम रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से सऊदी अरब भी नाराज बताया जा रहा है। पाकिस्तान के अखबार फ्राइडे टाइम्स ने यह दावा किया है कि न्यूयॉर्क से पाकिस्तान वापसी के दौरान इमरान खान के विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं आई थी। संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान की हरकतों से नाराज सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही विमान उनसे छीन लिया था। इसके बाद इमरान खान सामान्य उड़ान से पाकिस्तान लौटे थे। यूएन की बैठक में शामिल होने से पहले इमरान खान सऊदी अरब पहुंचे थे। देश की खस्ता माली हालात के चलते इमरान आगे की यात्रा कमर्शियल फ्लाइट से करने वाले थे। इस पर सऊदी प्रिंस ने उन्हें अपना दोस्त बताते हुए न्यूयॉर्क जाने के लिए शाही विमान उपलब्ध कराया था। यूएन में कश्मीर मुद्दे पर समर्थन न जुटा पाने के बाद इमरान खान ने कूटनीति में बदलाव किया। उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री महातर मोहम्मद और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब इर्दुगान से अपने पक्ष में बयान दिलवाया। पाकिस्तान ने मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर खुद को इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया। इस कूटनीतिक चाल से सऊदी क्राउन प्रिंस MBS इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने शाही विमान से पाकिस्तान दल को बेदखल करने का आदेश दे दिया। सऊदी अरब को पाकिस्तान की चाल जब तक समझ आती तब तक इमरान खान MBS का शाही विमान लेकर उड़ चुके थे। नाराज क्राउन प्रिंस ने बीच रास्ते से ही विमान को लौटाने का आदेश दिया। डैमेज कंट्रोल करते हुए पाकिस्तान सरकार की तरफ से विमान में तकनीकी खराबी का हवाला दिया गया। इसके बाद इमरान खान अगली सुबह सामान्य कमर्शियल फ्लाइट से ही इस्लामाबाद वापस पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।